आपकी वजह से आपके फर्म की क्रेडिट बढ़ती है, आपके फर्म की क्रेडिट की वजह से आपकी क्रेडिट बढ़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज क्रेडिट। क्रेडिट कैन अट्रैक्ट मनी, मनी कैन नॉट अट्रैक्ट क्रेडिट, याद रखना। क्रेडिट आपकी है मार्केट में अच्छी, तो आज नहीं तो कल आपके पास बिजनेस आएगा। लेकिन आप कितने भी पैसे वाले हो लेकिन क्रेडिट नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं आ सकता, नथिंग। क्रेडिट कैन अट्रैक्ट मनी, मनी कैन नॉट अट्रैक्ट क्रेडिट। आई रिपीटेड दिस जस्ट टू टेल यू दैट इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग इन द टॉक, रिमेंबर दिस। क्रेडिट कैन अट्रैक्ट मनी बट मनी cannot attract credit. Credit means इज्जत, credit means इज्जत, वो attract नहीं कर सकता पैसा। तो आपकी security है, आपकी safety है, आपकी stability है, वो सभी कुछ इसमें समा हुआ है। तो जिस तरह से BAPS की जैसी इतनी credit है, that credit counts. फिर आपकी टैलेंट, फिर आपकी इंटेलिजेंस, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर आपकी सपोर्ट सिस्टम्स खिल उठे। प्लास्टिक का फूल कई बार असली फूल से भी शेप, साइज और रंग ढंग में अच्छा होता है, लेकिन बड़ा फर्क कहां पड़ता है? फ्रेग्रेंस नहीं होती है। विदाउट क्रेडिट्स and ethics, all your money, talents, academics, experience is like a flower of plastic. It doesn't have fragrance. And with credit, even a small little rose can attract bees. Credit can attract money. There's a rose. Plastic ka phool kitna bhi acha ho, it cannot attract bees. Right or wrong? Aur ek chota sa phool ho, lekin usme credit fragrance hai, that is credit hai, it will attract bees. That is the power of credit. Ijjat kabhi jaane mat dena. Ijjat hai to sab kuch hai, ijjat gayi to sab kuch gaya. Wo aapki sabse badi amanat hai. It is the biggest treasure of your life. Again, my very important point today is when we talk of ethics, when we are talking of norms, when we are talking of disciplines in life, another good aspect is ethics is growth. Ethics is growth. आपकी प्रगति, आपकी तरक्की का एकमात्र आधार है ethics. दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति में से एक है वॉरेन बफेट, जिनका नाम आपने सुना होगा। बर्कशायर हैथवे के वे मालिक है, 63 कंपनीज अंडर इट। वॉरेन बफेट, वैसे तो ये 63 कंपनीज के सीईओ तो ज्यादा मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उनको साल में एक बार अच्छा पत्र लिखते हैं। थोड़े साल पहले एक पत्र उन्होंने लिखा टू द 63 सीईओज ऑफ द 63 कंपनीज ऑफ बर्कशायर हैथवे। पत्र में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा। वॉरेन बफेट ने क्या लिखा? बहुत अच्छी बात लिखी, लिसन केयरफुली। वॉरेन बफेट राइट्स इन दिस लेटर टू 63 सीईओज ऑफ 63 कंपनीज अंडर बर्कशायर हैथवे फ्लैगशिप कंपनी। My dear CEO, the money that you use is people's money, so take care of it. Warren Buffett. Kya credit? Kya ijjat? Apne CEO ko Warren Buffett ye likhte hai ki aap jo paise use karte ho wo public ke paise, aapke nahi hai. Because we are a public limited company. So take care of it. Matlab CEO ke roop mein aap jo decision lo, is prakar ke डिसीजन लेना, ये ध्यान रखना कि लोगों के पैसे डूब ना जाए। सी एथिक्स इज ग्रोथ, ग्रोथ इसी प्रकार से आता है। अनएथिकल प्रैक्टिस से किसी का ग्रोथ परमानेंट स्टेटस पे आएगी, शायद इनिशियल स्टेज पे ग्रोथ दिखता है लेकिन वो ज्यादा टिकता नहीं।